हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का टेक्निकल A1 सपोर्ट पे। आइए आज हम आपको कुछ नया चीज़ दिखा रहे हैं। देखिए ये मशीन सिलाई मशीन का इसलेटर है, ये ख़राब हो चुका है, इसको हम चेक कर रहे हैं। एक होल्डर ले लेंगे, एक बल्ब ले लेंगे और उसको इस स्विच में लगा देंगे। लगाने के बाद इस इसलेटर को दबाएंगे, अगर ये सही रहेगा तो ये जलने लगेगा, अगर सही नहीं रहेगा तो ये नहीं जलेगा। देखिए ये जल नहीं रहा है, इसका मतलब ये है जो ये इसलेटर ख़राब है। इस इसलेटर को ठीक करने के लिए हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि देखिए इसमें क्या क्या होता है और इसको कैसे ठीक करते हैं। देखिए कैसे खोल रहे हैं। देखिए ये खुल चुका है और खोलने के बाद देखते हैं इसमें एक कॉइल लगाया हुआ है जो स्पीड मशीन के स्पीड को घटाता बढ़ाता है। ये कॉइल है और इसी को दबाने से स्पीड घटता बढ़ता है। इसको हम देख रहे हैं क्या खराबी है। देखिए इसका बोल्ट एक ढीला हो चुका है, उस बोल्ट को हम टाइट कर देंगे। लूज कनेक्शन होने की वजह से भी स्पीड नहीं पकड़ता है, उस बोल्ट को हम टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद हम दिखाते हैं आपको। बोल्ट को टाइट करने के बाद इस पट्टी पे जो कार्बन लगा हुआ है उसको हम छोड़ा देंगे, इसलिए कि ये पट्टी में वोल्ट है और इसी पे ये पट्टी चार पट्टी है वो टच होता है चारों एक बाई एक करके, तो हमारा इसलेटर काम करता है, कम बेस होता है। और इसी देखिए कैसे ये टच हो रहा है, इसी को हम सही करेंगे। और देखिए इसको हम चेक करने जा रहे हैं अब, ये हमारा चलता है या नहीं चलता है, काम करता है या नहीं, वो सारा वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसको स्विच को हम लगा दिए और इसको लाइन में हम लगा देंगे, और लाइन में लगाने के बाद देखिए इस बोल्ट को हम चेक करेंगे। देखिए इस लेटर को हम दबाएंगे, बल्ब को इधर रख देंगे और देखिए इस लेटर को हम दबा रहे हैं। देखिए देखिए हमारा इसलेटर काम कर रहा है। देखिए हल्का दबाते हो तो हल्का जलता है और पूरा इसलेटर को दबाएंगे तो पूरा जलेगा। इसी तरह मशीन होता है, हल्का आप दबाएंगे तो मशीन हल्का चलेगा और पूरे दबाएंगे तो सिलाई मशीन पूरे चलेगा। ये सिलाई मशीन का इसलेटर है, और भी किसी मोटर में भी ये इसलेटर लगा होता है जिससे कम बेसी मोटर को कर सकते हैं। देखिए ये हमारा इसलेटर सही हो चुका है, और इसका ट्रिक क्या है, कैसे सही हुआ, कैसे काम करता है, पूरा वीडियो देखिए आपको हम दिखाएंगे। इसको हम अभी कस देते हैं और दूसरा ट्रिक आप लोगों को हम बताएंगे ये वीडियो के लास्ट में। आप लोग देखिए कि इसमें क्या क्या लगा होता है, वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। आप लोग देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। देखिए इसको हम जैसे खोले थे वैसा ही टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद इसको दूसरा ट्रिक हम बताते हैं जो कैसे इसको हम चेक करेंगे फिर से। आपके पास सिलाई मशीन नहीं होगा तो इसको कैसे चेक करेंगे कि सही हुआ या नहीं हुआ, वो हम इसी बल्ब के जरिए आप लोगों को बताएंगे। देखिए पूरे वीडियो को इस बल्ब के जरिए आप लोगों को बताएंगे, इसलेटर कम बेसी हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। फिर से हम उस वायर को इस स्विच में लगा देंगे और इस लेटर के वायर को हम लाइन में लगा देंगे और चेक करेंगे। देखिए हमारा काम कर रहा है। देखिए हल्का दबाते हैं तो हल्का जलता है
और पूरे दबाएंगे तो पूरे लाइट जलेगा। इसका मतलब ये है जो इसको हल्का दबाएंगे तो हल्का सिलाई मशीन चलेगा और पूरे दबाएंगे तो पूरे सिलाई मशीन चलेगा। देखिए इस पूरे वीडियो को आप लोग